स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिसको हम तुम नहीं पूरी दुनिया जानती है, जो फिलहाल में फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं। उनका नाम है लियोनेल मेसी। आज उनके बहुत ही खास रिश्तेदार, उनके फूफा जी जिनका नाम लियोनेल मेसी है, उनसे आज हम मुलाकात करेंगे, जो बहुत ही खुशी से यहाँ पे बैठे हैं। उनसे हम आपसे रूबरी करवाते हैं और उनसे जानेंगे कि लियोनेल मेसी कैसे थे, उनका बचपन कैसे गुजरा, उनके घर वाले कैसे थे, वो कैसे पैदा हुए, कहाँ रहे, सब कुछ जो जानकारी है आपको हम बताएंगे। और आपको ले चलते हैं उनके फूफा के पास, लियोनेल मेसी जिनका नाम है। तो चलिए दिखाते हैं, आप मिलाते हैं आपको लियोनेल मेसी के फूफा जी हैं। ये अभी कुछ प्रैक्टिस हमें लग रहा कर रहे हैं। ये इनका पूरा ख़ानदान, एक बात आपको बता दें, इनका पूरा ख़ानदान ही फुटबॉल में माहिर है, जैसे इनके फूफा जी हैं। ये हैं लियोनेल मेसी के फूफा जी, लियोनेल मेसी जी। सर, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं लियोनेल मेसी के बारे में, क्या आप बता पाएंगे? सर लियोनेल मेसी के बारे में आपसे पता करना था, कुछ पूछना था उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, कैसे क्या करते थे, तो आप सर पूछना है। जबकि जो उनके आप फूफा जी हैं, आपका नाम लियोनेल मेसी जी है ना? जी जी सर, आपसे ये पूछना चाह रहे थे। आईफोन मेरा चार्जिंग लगा देना। सर मेरे सवाल सुनिए सर। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि लियोनेल मेसी जो थे वो बचपन में कैसे थे, कैसा उनका स्वभाव था, नॉटी थे या बहुत शांत स्वभाव के थे, जरा आप बता पाएंगे मुझे? नहीं, बचपन में मैं यहाँ रहता नहीं था ना, लेकिन आया जब मैं मुंबई से, तो इंग्लैंड चले गए थे। अच्छा। फिर वहाँ वो उनकी एक खासियत थी, पैर से बहुत अच्छा खेलते थे फुटबॉल। अच्छा। फुटबॉल खेलते खेलते मेरे दिमाग में आया कि इनको कुछ सिखाया जाए। अच्छा। जी। उसके बाद वो थोड़ा ऐसे ही लफंडू टाइप के थे। अच्छा। तो मैंने उनको कुछ प्रैक्टिस दिया। तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि लियोनेल मेसी जो थे, जिनको आप हम नहीं पूरी दुनिया जानती है, आप उनके फूफा हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि उनका बचपन कैसा था, वो पढ़ाई में कैसे थे, सर जरा कुछ बताएंगे उनके बारे में आप मुझे? वो पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर थे। अच्छा। वो बहुत कमज़ोर थे एकदम, उनका एकदम फुटबॉल में मन लगता था। अच्छा। वहाँ पे घर कॉलेज था साइड में। अच्छा। तो स्टेडियम में जाते थे ऐसे ही। अच्छा। तो वहाँ पे जाते थे तो उनका देख के और मन लगता था उधर। अच्छा। तो वहाँ पे मैं देखा इनका पैर बहुत ही मूव करता था ऐसे ऐसे। अच्छा। उसके बाद देखा भाई उनके पैर से फुटबॉल वगैरह छूटती नहीं थी खूब अच्छे से। सर आप क्या करते, उनका पैर बहुत ज्यादा मूव कर रहा था, बहुत ज्यादा मूव करता हूँ जब बड़े हुए। अच्छा। उसके बाद उनको बार्सिलोना में मजा नहीं आता था। अच्छा। हाँ, वो बहुत ही क्या नाम है उसका, एम्बाप्पे, नेमार जूनियर, वो सब उनको बहुत परेशान करते थे। अच्छा। उसके बाद उनको जब अर्जेंटीना की टीम ने खरीदा, उसके बाद वो घर पे आते थे एकदम खुश रहते थे। अच्छा। मतलब कम पैसे दिए लेकिन अच्छा रहता था उनको, बहुत दिल को सुकून मिलता था। सर मतलब जैसे आप लियोनेल मेसी कहाँ, आप कहाँ हैं, मतलब आप उनसे आप मुलाकात आपसे होती है कि मतलब नहीं होती है? होती है, कभी कभी होती है, वो बड़े आदमी हो गए, हम कहाँ छोटे ही रह गए, तो कभी कभी, अभी वर्ल्ड कप जीते थे वो रात में फ़ोन किए थे मैच खत्म होने के बाद, तो उनकी वाइफ भी मेरे पास फ़ोन की थी। अच्छा। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन में बोला उनको ये। अच्छा, आपने बधाई दी उनको? बधाई दी, इतना बड़ा मैच, मतलब कतर में इतना बड़ा, इतना पैसा मिला उनको। मैं सोचा कि फ़ोन कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे मिल जाएगा 1-2 मिलियन, तो मेरा खर्चा चलेगा ये। वैसे ही है, मैं जानते हो मेरे को। नहीं, आप तो, मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके। जिस दिन फाइनल था 18 दिसंबर को, तो जिसे आम लोगों की दिल करने इतनी धड़कन तेज थी, और आप तो समझो बचपन से लियोनेल मेसी को खिलाया, बढ़ाया, पाला पोसा, इतना आगे कामयाब किया, तो आपका क्या हाल था उस टाइम? नहीं, मैं भी मैच देख रहा था शुरू से, जब से मैच चालू हुआ 8:30 बजे से। अच्छा। मैं मैच ही देख रहा था। अच्छा। मैं सुबह से मतलब एकदम खुश था कि आज तो बहुत ही अच्छा होगा, अर्जेंटीना जीत जाएगी, मेरे मेसी जो है मेरे घर के वो जीत जाएंगे, तो बहुत नाम होगा हम लोगों का। तो वही मैं देख, मेरी तो यार एकदम फटके मेरी हाथ में आ गई। अच्छा। वो एकदम यार ऐसे ही मैच, यार 2 मिनट में 2 गोल हुआ, एम्बाप्पे ने ऐसा मारा ना। अच्छा। कि एक तरफ खुशी थी कि भाई मेहनत करता है वो, 20 साल का लड़का इतना मतलब आगे चले गया, बहुत खुशी मेरे को, लेकिन मेरी तो फटके हाथ में आ गई कि मेरे घर के लोग हार जाएंगे। अच्छा। नहीं, आपने बचपन में उनको सिखाया भी, तो आपकी भी थोड़ी बेइज्जती हो सकती है। बेइज्जती क्या मेरी, तो यार क्या बताऊं अभी। अच्छा। जीत गए तो कुछ कहने को शब्द नहीं,
कहने को क्या, मैं तो यार 1,000 रुपया मेरे पास था। अच्छा अच्छा। मैं बाहर आया तो देखा इसे पूरे और जो मेरे चचा के लड़के हैं सबको मैं इसे टॉफी वॉफी सब खिला दिया। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, तो मतलब जब आप जैसा बताए हैं कि उन्होंने मैच के बाद आपको फोन किया, आपने उनको बधाई दी। मेसी का मेरे पास फोन भी आया है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। नहीं नहीं यकीन है। नहीं नहीं देख लीजिए आप, ये मेसी का 2 फोन आया, 2 फोन आया। जी जी दिख रहा है, दिख रहा है, मेरे पास आपको देख रहे हैं। देखिए इनका मेसी पे फोन आया था, ठीक है। और उनकी वाइफ का भी देख लीजिए आप। अच्छा, ये उनकी वाइफ जी जी दिख रहा है सर मुझे। नाम से नहीं सेव किया हूं, वैसे ही जी जी दिख रहा है सर मुझे। तो सर जैसे मैं जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि मेसी इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने पैसे वाले हैं, तो आपके लिए वो कुछ कभी करते हैं, कभी हेल्प पड़ती है पैसे वगैरह की, तो मतलब कुछ आपके लिए हेल्प करते हैं सर, बताइए फूफा जी। क्या क्या क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेसी इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने अमीर हैं, आप जानते पूरी दुनिया जानती है उनके पास कितना पैसा है, तो आप ही कभी वो हेल्प करते हैं? हाँ, हेल्प क्यों नहीं करते, मुझे जब जीते हैं वर्ल्ड कप में। अच्छा, अच्छा। वर्ल्ड कप में जब जीते हैं। अच्छा। तो मुझे 2 मिलियन मतलब 2 मिलियन डॉलर दिए थे। अच्छा, 2 मिलियन मतलब कितना हुआ इंडिया का, मैं इंडिया में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो कितना हुआ इंडिया का, इंडिया कुछ का भी हो रहा है, बहुत हो गया, 2-3 करोड़ रुपए हो गए। 2 मिलियन का 20-25 करोड़ मान लीजिए आप, लेकिन कुछ टैक्स में कट गया। अच्छा अच्छा, शॉक्स है। 3,000 का सॉक्स है। अच्छा, $3,000। अभी तो मैं 2-3 दिन से पहन के घूम रहा हूँ इसको। अच्छा। और ये मेरे फरहान भाई ने गिफ्ट किया है मुझे। अच्छा अच्छा। ये वाला, ये अंडा का है, जयनगरा में कोई नहीं पहनता इसको। नहीं, और ये जो ठीक है सर, जानते हैं कि लियोनेल मेसी को आपने पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, तो हमारे युवा जो है इंडिया में, जानते हैं कि इंडिया की टीम फुटबॉल में कितनी पीछे है, तो मतलब आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप हमारे जो एक अकाडमी में खोलने वाला कौवापुर बाजार में, अच्छा अच्छा, जो कि रहेगा उधर, जो खाली जमीन है मैं उसको खरीद लूंगा और अच्छा, वहां पे रहेगा। अच्छा अच्छा। और आप लोग मतलब कि 10,000 रुपए ज्यादा आप मेरे अकाउंट में डलवा दीजिए। अच्छा अच्छा। 6388709789 नंबर है, उस पर डलवा दीजिए। अच्छा अच्छा। ऑनलाइन मैं 2-3 दिन में मुंबई से आऊंगा, उसके बाद आप लोग आइए मेरे ऑफिस पे। अच्छा अच्छा। मैं आप लोगों का ऐसे मेसी की तरह, आप लोगों मेसी की तरह नहीं, उससे छोटा ही आप लोग कुछ ना कुछ बन जाएंगे। अच्छा, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ तो कर लेंगे, मेरी गारंटी है। अच्छा। और अगर नहीं बन पाए तो मैं अपने तरफ से मतलब खर्चा चलाऊंगा, अपने तरफ से, अपने जेब से। अच्छा। हाँ, और ये जो आप मकान देख रहे हैं ऊपर, ये जो आप मकान देख रहे हैं मैंने अपने ही दम पे बनवाया, बहुत आलीशान मकान है। मुझे कुछ दिया है लेकिन उस पैसे से मैंने, नहीं नहीं, मकान तो आपका बहुत आलीशान है। ये मैं कुछ पूछ सकता हूँ कि इसमें कितने डॉलर खर्चा हुआ था? आप डॉलर में बात करते हैं? बाहर से थोड़ा मैंने थोड़ा सादा सिंपल बनवाया। अच्छा, है कि लोग कहे ये इतना पैसा हो गया तो दिखाने के लिए ऐसा। हाँ, नहीं नहीं सर, आप लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो अच्छा, इसमें बहुत फैसिलिटी है। अच्छा, बहुत मतलब ज्यादा। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब इसमें कितने डॉलर खर्चा हुए थे? इसमें लगभग आप डॉलर तो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप इंडिया के लोग हैं। जी जी, इंडिया में बता दीजिए, इंडिया के गरीब लोग हैं। जी जी, डॉलर में नहीं मतलब 20-25 करोड़ लग गया होगा। 20-25 करो। नहीं नहीं, बहुत शानदार घर भी दिख रहा है सर, लग रहा है। ये बाहर से थोड़ा, नहीं नहीं, आप बाहर से सिंपल बनवाए हैं, बहुत ही अच्छा है फैसिलिटी, जिम वगैरह, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, वॉशरूम, 10-10 बाथरूम, टॉयलेट सब वगैरह बहुत है। नहीं नहीं, आप सिंपल भी बहुत रहते हैं सर, देखिए कैसे कि आप स्लीपर में हैं, लेकिन आपका स्लीपर भी बहुत महंगा होगा। ये मतलब बोला तो मैं, मेसी ने मेरे को गिफ्ट दिया था। अच्छा अच्छा। मतलब होगा यहाँ का मतलब 50 लाख रुपए। अच्छा। नहीं नहीं, तीन दिन से मैं इसको पहना हूँ। अच्छा। और इतना कंफर्टेबल है क्या बताऊँ मैं, रात को मैं सोते समय नहीं इसको निकालता हूँ। अच्छा। सो जाता हूँ पहन के। अच्छा। हाँ, आ रहा हूँ, ये रोनाल्डो CR7 का ब्रांड है, तो आप उनसे भी मिले थे क्या? मिला नहीं था, एक फंक्शन थी मेसी की, उसमें जो गोल्डन बूट अवार्ड होता है उसमें गए थे हम लोग, एम्बाप्पे भी गए थे, मैं गया था, मेसी भी गए थे, तो लेके गए थे साथ में मुझे, तो वहाँ पे जब रोनाल्डो ने मुझे देखा, सोचा कि मेसी इतना अच्छा खेलता है, उसने वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप, कतर वाला वर्ल्ड कप, बहुत महंगा, जी जी, बहुत बड़ी बात हो गई यार। तो उसने सोचा कि मैं भी उसके फूफा जी से, फूफा को कुछ दे दूं तो वो मुझे भी सिखाएंगे। आपको गिफ्ट दिया? हाँ, गिफ्ट दिया, और सोचा कि मुझे भी सिखाएंगे। तो इसी तो आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको रोनाल्डो को भी सिखाएंगे? नहीं, मैं ये ऐसा नहीं कर सकता कि मेसी मेरे घर के हैं, मेरे परिवार जैसे हैं, मुझे इतना बहुत दिया है, 2-3 मिलियन बहुत हो गया मेरे लिए इंडियन रुपीज में, बहुत उसे कन्वर्ट करेंगे तो इतना रुपया हो गया कि जयनगरा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे किसी के पास भी नहीं है। अच्छा। तो हमारी बहुत इज्जत है यहाँ पे,
और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इतना वक्त दिया, आपने मेसी जैसे प्लेयर को इतना बड़ा बनाया। तो मैं इंडिया के कुछ नौजवानों के बारे में आप कहेंगे, उनके बारे में कुछ बोलेंगे, क्योंकि इंडिया फुटबॉल में बहुत पीछे है। आप जानते हैं फीफा कप वर्ल्ड कप में वो हिस्सा भी नहीं ले पाई थी, तो उनके बारे में कुछ बताइए सर, क्या संदेश देंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बचपन से ही बहुत ही मतलब पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बात नहीं, क्योंकि वो जिस खेल में भी जिस मतलब जिस जगह पे ध्यान देना चाहते हैं, मतलब आजकल के मैं बच्चों को देख रहा हूँ, इंग्लैंड गया वहाँ पे देखा तो सब जितना इतना पैसा रहता है उनके पास, फिर भी सादा सिंपल यहाँ पे अगर 10,000 आ जाए बच्चों के पास या घर वालों के पास, तो वो सब एकदम उड़ने लगते हैं। नहीं नहीं, ये बात आपकी सही है सर, मतलब कटी फटी पैंट पहनते हैं, बाल वैसा ऐसा रखते हैं, पता नहीं कैसा उनके मुंह पे क्या क्या पता नहीं कैसा हुए रहते हैं, मतलब इतना एक्शन में रहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं से? मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे एकेडमी में आइए, हम उन लोगों को जो यहाँ के नौजवान युवा हैं उन लोगों को मैं सिखाऊंगा फुटबॉल। दर्शक आपको देख रहे थे, आपकी बातों से बहुत मुतासिर हुए हैं। और मैं इन युवाओं को बताना चाहता हूँ कि मैं इतना टाइम किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन जब युवाओं की बात आती है तो मैं अपने बचपन की कुछ यादें हैं जो मैं उन्हें याद करने लगता हूँ। ये थे लियोनेल मेसी के फूफा जी, इनसे आप बहुत कुछ सीखे होंगे, इन्होंने लियोनेल मेसी को बहुत कुछ सिखाया है, तो आप भी इनसे सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।